आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जेब प्रिंट कर सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो लैंग्वेज उतनी मैटर नहीं करती, मेन जो होता है वो लॉजिक मैटर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एफ ओ एल, तो ये सारा लॉजिक मैटर करता है। तो आप सेम लॉजिक यूज़ करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जेब प्रिंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट कर लेना एक फाइल, और इस फाइल का नाम दे देना है, क्योंकि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मैं जे, तो मैं नाम दे दूँगा जे, ठीक है। और ये जो मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैनपी से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं सेम आईडी यूज़ करना, तो मैं लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे आप ऑनलाइन आईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कैनपी इंस्टॉल करके भी सेम आईडी का यूज़ कर सकते हैं। तो जे प्रिंट करने के लिए पहले हमको इसका लॉजिक समझना होगा, तो उसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं पेंट। ओपन पे हम देखेंगे कि जे कैसे होता है हमारा। तो जे हमारा कैसे होता है वो आप देखिए, जे हम लोग ऐसे लिखते हैं सिंपली, ठीक है, ये होता है हमारा जे। ये तो बुरा लग रहा है, ठीक है, ऐसे होता है हमारा जे, इस तरह से हमारा जे लिखा जाता है। तो जे लिखने के लिए आपको किस तरह से ज़रूरत पड़ेगा स्टार का, पहले आप एन इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करते हैं। तो 5 के लिए क्या होगा हमारा, फाइव स्टार हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग को 2 स्टार ले लेंगे इधर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 1 स्टार चाहे तो 1 स्टार ले सकते हैं, पर 1 स्टार थोड़ा सा कम लगेगा, तो हम लोग 2 स्टार ही ले लेंगे। वेट, ठीक है, तो इस हिसाब से जो हो सकता है हमारा। 7 के लिए चेक कर लेते हैं, 7 में कितना स्टार चाहिए, कितना वो चाहिए होगा इधर, वो चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 में हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सही रहेगा यहाँ पे, हाँ 7 के लिए 4 सही रहेगा, 3 कम थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, इस हिसाब से ये सही रहेगा। तो आप यहाँ पे आपको लॉजिक देखना होगा कि यहाँ पे लॉजिक देखना है आपको, देख सकते हैं पहले जो लाइन है, पहली 2 लाइन, ठीक है, उसमें क्या है हमारा सिर्फ 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। बाकी जो हाफ से बड़ी लाइन है वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें 2 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे लास्ट वाली लाइन है जो उसमें 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो लाइन है जो इनवर्ट से छोटी है वो इससे सिंगल स्टार प्रिंट हो रहा है, जो इनवर्ट से बड़ी है या बराबर है उसमें 2 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, और लास्ट वाले के लिए फिर 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू n-1 के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, ये 5 के लिए है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये 7 के लिए है। तो 5 में हमारा लास्ट n-1 क्या है, क्योंकि यहाँ पे n-1 होगा, देखिए n-1 कैसे होगा आप देखते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 क्या है हमारा, 5-1, 4 हो सकता है, तो इसलिए n-1 हमेशा लास्ट आइटम जो होता है वो प्रोग्रामिंग हमारा n-1 होता है, n-1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी n-1 है। इन दोनों में क्या ये लॉजिक हो सकता है कि आप देख सकते हैं, 5 है, 5 के लिए 3 है यहाँ पे, ठीक है, 5 के लिए यहाँ पे 3 है, और 7 के लिए हमारा क्या है, 7 के लिए हमारा 4 है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या हो सकता है, n/2+1 हो सकता है, क्योंकि 5/2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 7/2+1 क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये किस लॉजिक पे काम कर रहा है, ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है एन वाई टू प्लस वन पे, ठीक है। या फिर आप इसके लिए दूसरा लॉजिक भी निकाल सकते हैं, दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि एन वाई टू प्लस वन नहीं करके आप एन प्लस वन वाई टू भी कर सकते हो, ठीक है, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू भी सेम काम करेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं फाइव है तो फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा हमारा, सिक्स हो जाएगा, और सिक्स अगर डिवाइड होगा टू से तो थ्री आ जाएगा। फिर सेवन है तो अगर सेवन है तो सेवन प्लस वन क्या हो जाएगा, एट, एट डिवाइड बाई टू फोर हो जाएगा। तो एन प्लस वन ये दोनों लॉजिक काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो एन माइनस वन के लिए हमारा लॉजिक हो गया। अब बाकी जो एन वाई टू यहाँ पे देख सकते हैं जीरो वन टू टू से है यहाँ पे, तो ये टू क्या है हमारा एन वाई टू, फिर एन वाई टू यहाँ सेवन क्यों क्या है हमारा एन वाई, एन वाई टू कितना है थ्री, तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरो वन टू थ्री, थ्री से स्टार्ट है, ठीक है। तो थ्री के पहले जो है हमारा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एन वाई टू से अगर स्मॉलर है, ये सारे क्या है हमारा एन वाई टू से स्मॉलर है, उसके लिए अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एन वाई टू कितना होता है थ्री, थ्री से ये सब स्मॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं जीरो वन टू, टू ही तक है, थ्री जैसे आया वो दूसरा हो गया। तो एन वाई टू के लिए हम लोग यहाँ पे स्मॉलर के लिए एक अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हमारा वो लेस देन है एन वाई टू से, और बाकी जो बच जा रहा है उसको एल्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एल्स लिख दो या फिर आप एन वाई टू प्लस वन से कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली एल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। ये सारा जो होगा दो स्टार वाला उसको हम लोग एल्स में ले जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हो कि एन वाई टू से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये फाइव से डिवाइड बाई टू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू थ्री, तो ये क्या है एन वाई टू से बड़ा है या इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप थ्री या थ्री से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जीरो वन टू, सेवन बाई टू क्या हो जाएगा हमारा थ्री, तो यहाँ थ्री से स्मॉलर है, बाकी सब क्या है थ्री के इक्वल है, और फिर थ्री से कैपिट बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। तो आप दोनों लॉजिक यूज़ कर सकते हो, तो मैं सिंपली एल्स यूज़ कर लूँगा क्योंकि और कोई तीसरा लॉजिक है ही नहीं। तो अब सब लॉजिक के लिए कितने स्टार प्रिंट करने, इसके लिए तो स्टार का प्रिंट हो गया, एन प्लस वन बाई टू वाला लॉजिक चलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पहले आपको चाहिए कुछ स्पेसेस, तो स्पेसेस कितने चाहिए फाइव के लिए, वन स्पेसेस, टू स्पेसेस, थ्री स्पेसेस, फोर स्पेसेस, फाइव के लिए आपको फोर स्पेसेस चाहिए। सेवन के लिए कितने स्पेस चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ, यहाँ से काउंट होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन स्पेसेस, टू स्पेसेस, थ्री स्पेसेस, फोर स्पेसेस, फाइव स्पेसेस, सिक्स स्पेसेस। तो यहाँ पे फाइव के लिए हम लोगों को कितने चाहिए, फाइव के लिए हम लोग को फोर चाहिए स्पेसेस, और सेवन के लिए हम लोग को चाहिए, सेवन के लिए हम लोग को फाइव स्पेसेस चाहिए, सॉरी सेवन के लिए सिक्स स्पेसेस चाहिए। तो ये क्या हो रहा है हमारा एन माइनस वन पे कर रहा है, सिंपली देख सकते हैं आप एन माइनस फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा, सेवन माइनस वन सिक्स हो जाएगा। तो दूसरा लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा कि एन माइनस वन स्पेसेस चाहिए आपको, उसके बाद आपको सिंपली एक स्टार प्रिंट करना और नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अब हम लोग ये वाला लॉजिक जो एल्स के लिए बच जाता है उस वाला लॉजिक को हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या है, इसके लिए क्या लॉजिक चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक स्टार प्रिंट करना, फिर कुछ स्पेसेस चाहिए, फिर एक स्टार प्रिंट करना है। तो स्पेसेस कितने चाहिए, बस वही लॉजिक को आपको ढूंढना है। तो स्पेसेस के लिए अलग से लॉजिक क्या हो सकता है हमारा, देख सकते हैं फाइव के लिए कितने स्पेसेस चाहिए आपको, वन टू थ्री स्पेसेस चाहिए, इसके बीच में थ्री स्पेसेस है। यहाँ पे सेवन के लिए कितने स्पेसेस चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव स्पेसेस चाहिए। तो अगर फाइव के लिए थ्री स्पेसेस चाहिए, फाइव के लिए थ्री स्पेसेस चाहिए, और सेवन के लिए हम लोग को कितने स्पेसेस चाहिए, सेवन के लिए हम लोग को फाइव स्पेसेस चाहिए, ठीक है। फिर नाइन आएगा तो नाइन के लिए हम लोग को फिर सेवन स्पेसेस चाहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप ये एन माइनस टू पर काम कर रहा है, फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा, सेवन माइनस टू फाइव हो जाएगा। तो ये हमारा स्पेसेस कितने चाहिए, एन माइनस टू स्पेसेस चाहिए। तो ये हमारा तीनों लॉजिक हो चुका है डेवलप। तो इस तीनों लॉजिक को चलिए हम लोग अब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन ले लेंगे, तो इस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग जे, प्रिंट करना है तो हम लोग नाम दे देते हैं प्रिंट जे, और फिर यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे। फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग क्योंकि आपको बार बार पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप फंक्शन कॉल करेंगे और पूरा कोड रन होगा, इसलिए हम लोग फंक्शन लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लूप चलेगा, एक इन एन टाइम्स लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज एन, और यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा लॉजिक सब सारे। तो पहला लॉजिक क्या है हमारा, पहला लॉजिक आप कोई भी ले सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई वाला भी। तो पहला लॉजिक हम लोग चलिए ये लास्ट वाला ही लेते हैं, लास्ट वाला ही लेते हैं, पहला लॉजिक यही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा कि लेस देन एन वाई टू है अगर, तो हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे
ठीक है, इफ आज जो हमारा वो लेस देन एन बाई टू है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का लॉजिक क्या करना है, हम लोगों को कुछ स्पेसेस चाहिए, तो स्पेसेस कितने चाहिए हमको, एन माइनस वन स्पेसेस चाहिए, जो कि देख सकते हैं आप पहले से फॉर्मूला डिफाइंड है यहाँ पे, वन वन टू थ्री फोर, एन माइनस वन स्पेसेस चाहिए। तो हम लोग पहले लॉजिक पूरा देख ही चुके हैं, तो अब हम लोग सिंपली फार्मूला जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक स्पेसेस कितने चाहिए, फॉर जे इन रेंज एन माइनस वन इतने स्पेसेस चाहिए, और हम लोग फिर प्रिंट कर देंगे एक स्पेसेस और एंड कर देंगे बिना कोई स्पेस, या तो आप सिर्फ यहाँ पे स्पेसेस एक दे सकते हैं, फिर इसको हटा सकते हैं, इस लाइन को कुछ नहीं प्रिंट करना है, तो फिर दोनों लॉजिक काम करेगा। तो जहाँ हम लोग जैसा लॉजिक यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे फिर, तो प्रिंट कर देंगे एक स्पेस और मूव कर जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली एक स्टार प्रिंट करना है और नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक स्टार प्रिंट करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, प्रिंट स्टार, बस नेक्स्ट लाइन पे इंड अगर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन पे चले, अगर हम लोग स्पेसेस नहीं देंगे इंड वाला तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब दूसरा लॉजिक क्या है हमारा, एल्स एफ के लिए क्या लॉजिक, दूसरा लॉजिक हम लोग लास्ट वाला ले लेते हैं यहाँ पे कि एन माइनस वन है अगर आए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एन प्लस वन बाई टू टाइम्स स्टार प्रिंट करना है एक स्पेसेस के साथ। तो हम लिखेंगे एल्स एफ आई इज इक्वल इक्वल एन माइनस वन, आई इज इक्वल टू एन माइनस वन है तो हम लोग प्रिंट करेंगे स्टार प्रिंट करेंगे, कितने टाइम्स प्रिंट करना है पहले वो लिखना होगा आपको। तो फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज कितने टाइम्स था यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा था एन प्लस वन बाई टू टाइम्स चला, या एन बाई टू प्लस वन, दोनों में से कोई भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं एन प्लस वन बाई टू वाला यूज़ कर लेता हूँ, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू टाइम्स चलेगा, और हम लोग प्रिंट करेंगे एक स्टार और एक स्पेसेस के साथ, प्रिंट स्टार फिर एक स्पेसेस होगा, और फिर हम लोग जब ये रूप पूरा प्रिंट हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टार के बाद गैप है, यहाँ पे देख सकते हैं वन स्टार फिर एक स्पेस फिर टू स्टार फिर एक स्पेस फिर थ्री स्टार, इस हिसाब से आप लॉजिक ये इस हिसाब से है, ठीक है। तो ये दूसरा लॉजिक हो गया, अब तीसरा लॉजिक के लिए क्या हम लोग का सिंपली एल्स पे चला जाएगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग सिंपली तीसरा लॉजिक में क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करना है और स्पेसेस देना फिर एक स्टार प्रिंट करना है। तो एक स्टार प्रिंट करना है पहले, तो पहले हम लोग एक स्टार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट स्टार और इंट कर देते हैं बिना कोई स्पेसेस के, फिर हम लोग स्पेसेस के लिए लिखना होगा लॉजिक। तो फॉर जे इन रेंज कितने स्पेसेस चाहिए वो आप मैं देख चुका हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन कर चुका हूँ, तो देख लेते हैं फिर से कितने स्पेसेस चाहिए हमको, एन माइनस टू स्पेसेस चाहिए था, देख सकते हैं आप एन माइनस टू स्पेसेस चाहिए था। तो हम लोग एन माइनस टू टाइम्स इसको चलाएंगे, एन माइनस टू कर देते हैं, और फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे स्पेसेस, और एंड कर देंगे बिना कोई स्पेसेस के ताकि नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाए, ठीक है। और जब ये पूरा हमारा जब स्पेस हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार भी प्रिंट कर देंगे और हमारा लॉजिक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। अब हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, नम को हम लोग इंटीजर में पहले ही कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं प्रिंट जे, और यहाँ पे नम को कॉल कर देंगे। अब देख लेते हैं हम लोग रन करके, तो फाइव के लिए देखते हैं कैसा प्रिंट हो रहा है, वेट एरर आ गया यहाँ पे तीन के लिए, इफ आई लेस देन यहाँ पे डबल डबल हो गया, यहाँ पे लेस देन का सिंपली एक ही यूज़ होता है, तो आई लेस देन, अब यहाँ पे फाइव पे चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप फाइव के लिए कैसा लग रहा है स्टार, वन टू थ्री फोर स्टार प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जबकि हमको थ्री स्टार ही प्रिंट होना था, एक स्टार ज़्यादा हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू वन और टू, आई इज लेस देन जीरो एंड वन, वन पे तो दो स्टार नहीं आने चाहिए, आई इज लेस देन एन वाई ट्वेंटी टू, ओके यहाँ पे एन वाई ट्वेंटी टू हो गया, ये मिस स्पेल्ड हो गया यहाँ पे, टू एन वाई टू ही होना था, ठीक है, एन डिवाइड बाई टू ही होना था यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब फिर से मैं रन कर लेता हूँ प्रोग्राम, फाइव
आप देख सकते हैं ये जे काफ़ी अच्छा से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब सेवन के लिए चेक कर लेते हैं, सेवन के लिए प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग कॉपी करेंगे सिर्फ फंक्शन को और कॉल करेंगे, देख सकते हैं फंक्शन का फ़ायदा। आप और कोड नहीं कॉल करना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पे सेवन के लिए चेक कर लेंगे। देख सकते हैं सेवन के लिए भी काफ़ी सही लग रहा है। अब हम लोग थोड़ा और लार्ज नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, फिफ्टीन के लिए चेक कर लेते हैं। फिफ्टीन पे भी ये काफ़ी सही जे लग रहा है। ठीक है, आप चाहे तो आप और ग्रेटर नंबर ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 25 पे भी देख सकते हैं आप। इस तरह से आप कितने भी नंबर ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा से ये प्रिंट हो रहा है। तो इस हिसाब से आप जे प्रिंट कर सकते हैं। मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है वो आपका लॉजिक होता है। आप लॉजिक का यूज़ करके आपको सिर्फ सिंटैक्स वगैरह थोड़ा वो चेंज करना होगा, बाकी सेम लॉजिक का यूज़ करके आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं।